नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन। मैं हूं आपके साथ मेघा। पूरे यादव परिवार के लिए फिलहाल अखिलेश यादव का इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चिंता का सबब बना हुआ है। एक बार फिर से भाई और भाई एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। चाचा भतीजे की दुश्मनी खुलकर सबको नजर आने वाली है। इस कड़ी में आपको चलिए बताते हैं शिवपाल यादव के इस्तीफे की खबर। जब साल 2017 में आई थी तब मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने क्या कुछ कहा था। आपको बता दें, साल 2003 में मुलायम ने साधना गुप्ता को सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साधना गुप्ता के संबंध भले ही अखिलेश यादव के साथ मधुर ना हो, लेकिन अपने देवर शिवपाल को वो बहुत ज्यादा मानती हैं। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जब मुलायम सिंह यादव के परिवार में घमासान मचा, तब भी साधना एक तरफा शिवपाल यादव का समर्थन करती हुई नजर आई। इंटरव्यू में साधना गुप्ता ने कहा, शिवपाल यादव ने हर कदम पर मुलायम को राम मानकर लक्ष्मण की तरह सेवा की, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। आपको बता दें, साधना गुप्ता के काफी अच्छे संबंध शिवपाल यादव की पत्नी सरला देवी के साथ भी हैं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। देवरानी जेठानी काफी बार एक दूसरे के साथ आ चुकी हैं। शिवपाल यादव को लेकर साल 2017 में साधना गुप्ता ने साफ साफ कहा था कि जो भी शिवपाल के साथ हो रहा है वो नाइंसाफी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन की रिपोर्ट।